वोटिंग प्रोसेस में आज जो कुछ भी हुआ है, मैं और पूरे पाकिस्तान की अवाम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उसे। ये अवाम का मैंडेट चुराया गया है, उसका हेर फेर हुआ है और ये अवाम ये होने नहीं देगी। अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर अ फेयर डिसीजन एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि आई होप एवरीबडी डिसाइड्स कि अवाम का मैंडेट बरकरार रहे और उनको किसी इंतशार का या जहनी इंतशार का शिकार ना किया जाए। वोटिंग प्रोसेस में आज जो कुछ भी हुआ है, मैं और पूरे पाकिस्तान की अवाम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उसे। ये अवाम का मैंडेट चुराया गया है, उसका हेर फेर हुआ है और ये अवाम ये होने नहीं देगी। अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर अ फेयर डिसीजन एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि आई होप एवरीबडी डिसाइड्स कि अवाम का मैंडेट बरकरार रहे और उनको किसी इंतशार का या जहनी इंतशार का शिकार ना किया जाए। वोटिंग प्रोसेस में आज जो कुछ भी हुआ है, मैं और पूरे पाकिस्तान की अवाम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उसे। ये अवाम का मैंडेट चुराया गया है, उसका हेर फेर हुआ है और ये अवाम ये होने नहीं देगी। अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर अ फेयर डिसीजन एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि आई होप एवरीबडी डिसाइड्स कि अवाम का मैंडेट बरकरार रहे और उनको किसी इंतशार का या जहनी इंतशार का शिकार ना किया जाए।